नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रही हैं अपटी न्यूज। आज पूर्वांचल राज हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी दिखाते हुए शास्त्री चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांति मार्च निकाला। इस दौरान पूर्वांचल राज हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हाथों में गुलाब का फूल लिए हुए थे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पूर्वांचल राज हिंदू महासभा के संस्थापक अभय देव शुक्ला के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन और गुलाब भेजा। इस दौरान अभय देव शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 माह से विशेष वर्ग को टारगेट करके हत्याएं की जा रही हैं। समाज के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उनके परिवारों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज टारगेट बन गया है। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी को गुलाब पूर्वांचल आज हिंदू महासभा के लोग आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में यह बात कहा गया है कि जब भी सरकारें कोई आती हैं, अच्छा काम करती हैं, तो उसका नैतिक समर्थन करते हैं समाज के लोग, और जब कोई गलत काम करती है जिससे समाज में भय का वातावरण पड़ता है तो उसका विरोध पूरी तरह से करती है। आज पूर्वांचल राज हिंदू महासभा लगातार उत्तर प्रदेश में विगत 6 महीनों से कमलेश तिवारी के हत्याकांड के बाद से लगातार हत्याएं, और वो भी वर्ग विशेष को टारगेट करके, वो ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं बहुतायत संख्या में की हैं।